इस वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि मैं आपको ऐसी चार बातें बताने वाला हूं जिसके बाद आप कंफर्टेबली अपनी डे जॉब छोड़ पाएंगे एंड हम फ्रीलांसिंग कह लो, कंसल्टिंग कह लो या फिर डिजिटल नोमाड की लाइफ कह लो, आप जी पाओगे उन चार चीजों के बाद। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप मेरे चैनल तक आए हैं तो आपको पसंद है रिमोट जॉब्स, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग करना, रिमोट जॉब्स में अप्लाई करना या फिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं अपने डे जॉब के साथ या फिर आप फुल टाइम भी वो बिजनेसेस कर सकते हैं। एंड आई मेक श्योर कि जो बाकी यूट्यूबर्स आपको ओवरऑल लेवल पे सिर्फ चीजें बताते हैं कि ये वाले चीजें आप कर सकते हैं जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, हम वो वाला डिस्कस नहीं करने वाले। एंड यूजली मैं वो डिस्कस भी नहीं करता क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने खुद फेस करी हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि मैं आपको ऐसी चार बातें बताने वाला हूं जिसके बाद आप कंफर्टेबली अपनी डे जॉब छोड़ पाएंगे एंड हम फ्रीलांसिंग कह लो, कंसल्टिंग कह लो या फिर डिजिटल नोमाड की लाइफ कह लो, आप जी पाओगे उन चार चीजों के बाद। एंड मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ जहां पे आपको ये समझ आ जाएगा कि आप डे जॉब के साथ या फुल टाइम ऐसा कौन सा बिजनेस कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हाँ, मैं यही बात करने वाला हूँ, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप कौन से बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद करी है। तो आप मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिए। स्टेप वन, सबसे पहले ना आपको स्किल देखनी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी स्किल है जिसका डिमांड और सप्लाई का गैप है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो पैसे कमाने वाले हैं ना वो कोई मैजिक ट्रिक नहीं होने वाली, राइट? कि आप गए, आपने एक मैजिक चलाया और पैसे आ गए। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग अ न्यू स्किल। जब मैंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने ये चीज चेक किया था कि मेरे में ऐसी तो कोई स्किल होगी ना जो मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। एंड वो कोई भी मीडियम हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, कोई फ्रीलांसिंग वेबसाइट ज्वाइन कर लो या कुछ भी, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको एक स्किल आनी चाहिए जिसको आप सेल कर सकते हो, चाहे सर्विस की फॉर्म में या उसको प्रोडक्टाइज करके। प्रोडक्ट कैसे होते हैं, जैसे आपने ई बुक बना दी, या सर्विस कैसे होती है, आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे दी, सोशल मीडिया की सर्विस दे दी। तो आपको सबसे पहले एक स्किल सीखनी पड़ेगी एंड मैं ये कहता हूँ उस स्किल को सीखने के लिए आपको 30 दिन देने पड़ेंगे। आप 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री भी तो करते हैं ना एंड उसके बाद आपकी जॉब कितने के लगते हैं, 25,000 रुपए महीना। तो जस्ट इमेजिन, आपने 4 साल की इंजीनियरिंग करी, 3 साल की ग्रेजुएशन करी, 25,000 की जॉब के लिए। उससे बेटर ये होगा आप 30 दिन अपने पे इन्वेस्ट कीजिए, एक अच्छा कोर्स लीजिए, अच्छी वेबसाइट से लीजिए। मैं नहीं बोलूंगा कि किसी भी गुरु का प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कोई इंडियन, क्योंकि मैं ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोलता कि आप इंडियन गुरुज को फॉलो नहीं कीजिए, जरूर फॉलो कीजिए अगर वो आपको वैल्यू देता है। बट अगर वो वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है वो एफिलिएट मार्केटिंग सिखाने वाले हैं सिर्फ, तो प्लीज आप ज्वाइन मत कीजिए। आप ज्वाइन कीजिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ, वो है कोर्सेरा। आपको इस लिंक में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे जो पर्सनली मैंने बहुत लोगों को रेफर किया है। ऑफकोर्स मैं एफिलिएट मार्केटर भी हूँ कोर्सेरा का प्रोग्राम्स का, लेकिन मैं ये नहीं है कि आपको वो सारे कोर्सेज ही लेने जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बट ऑफकोर्स मैंने भी वो वाले कोर्सेज खुद करे हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो डिजिटल अवेलेबल है हर जगह, मैंने कोर्सेज बहुत सारे कर रखे हैं। कोर्स कीजिए, सबसे पहले एक स्किल सीखिए। अगर आपको स्किल आ गई तो ऑफकोर्स आपको ये पता होगा कि स्किल को सेल कैसे करना है, बट मेक श्योर आपको 30 दिन देने पड़ेंगे एंड रेगुलर आपको 2 से 3 घंटे देने। तो मैं ये बोलने वाला हूँ कि आपको सिर्फ 60-90 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं अपने ऊपर एक स्किल सीखने के लिए। आपने एक बार स्किल सीख ली, देन नेक्स्ट में हम की बात करेंगे कि अब आपको उस स्किल को सेल कैसे करना है, राइट? सेकेंड में आपको ये देखना है कि आपका मिशन क्या है। आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं, आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन आए हो, या आपको इम्पैक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद पैसे कमाने चालू करने हैं, थर्ड आपको जैसे कोई कम्युनिटी बनानी है या क्या करना है। जैसे मेरा ये एम था कि मेरे को, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे को ये एम नहीं था कि मेरे को सिर्फ पैसे कमाने हैं, मेरा सबसे पहले ये एम था मेरे को अपनी रेपुटेशन बिल्ड करना, क्योंकि रेपुटेशन बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स लोग इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो बिल्ड करना या फिर आपको एक अपना ब्रांड बनाना चाहिए, बट मैं इसको बोलता हूँ रेपुटेशन। रेपुटेशन बनाने के लिए आपको चीप प्रोडक्ट्स या चीप सर्विस नहीं देनी, क्योंकि सबको पता है कि जैसे एग्जांपल $5, $4, $10 पे सर्विसेज अवेलेबल हैं। मेरी सर्विसेज थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी क्योंकि मैं ऑफकोर्स कंसल्टेंट था, मैंने 9-10 साल एक स्किल को सीखा था, बट अगर आप नए हो, न्यू भी हो, आपने एक स्किल को नया नया सीखा है, तो कोई पॉइंट नहीं है आपको इतना महंगा अपना स्किल देने के लिए। आपको एक अफोर्डेबल एक प्राइस रखना है अपना,
जहां पे आप अपनी स्किल दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये मत सोचिए कि आपको पैसा कमाना है, पहले आपको ये देखना है कि आपको इम्पैक्ट करना है, कम्युनिटी बिल्ड करनी है, रेपुटेशन बनानी है। क्योंकि एक बार आपकी कम्युनिटी बन गई, आपकी रेपुटेशन बन गई, देन ऑटोमेटिकली पैसे कमाने स्टार्ट करेंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी फोटो, राइट? आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन सर ने जब अपना करियर स्टार्ट किया होगा तो आज की डेट में ही इज लाइक 80 इयर्स ओल्ड, तो आज की डेट में वो जितना कमाते हैं, क्या वो उस टाइम इतना कमाते थे व्हेन ही वाज लाइक 20 इयर्स, 25 इयर्स और 30 इयर्स? आप सेकंड इमेज यहां देख रहे होगे, राइट? ही इज माय फेवरेट एक्टर, राइट? शाहरुख खान, नॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग बट बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रगल्स। जस्ट इमेजिन उन्होंने कहां से स्टार्ट किया था, आज वो कहां पे है। उन्होंने पहले अपनी रेपुटेशन बनाई मार्केट में, जब रेपुटेशन बन गई, नाउ ही इज अ ब्रांड। तो आपको पहले रेपुटेशन बनानी है, सिर्फ ब्रांड पे फोकस करना है कि मैं वो चीज कैसे करता हूँ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सबके लिए कहता हूँ, जैसे आप आईपीएल देखते होंगे फॉर श्योर, राइट? क्रिकेट देखते होंगे या फुटबॉल देखते होंगे, आप देखते होंगे वहां पे चीयर लीडर्स होते हैं, चीयर गर्ल्स होती हैं, ऑफकोर्स वो थोड़ा फैंसी हो जाता है आपके लिए, बट स्टिल वो क्यों होते हैं? सिर्फ क्राउड मोटिवेट करता है हमारे क्रिकेटर्स को, फुटबॉलर्स को, राइट? वो क्यों कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट द इंटायर नेशन? क्योंकि जब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं तो वो एक सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं आपसे, कि आप उनको सपोर्ट करो, चाहे फेलियर हो, सक्सेस हो, कहीं भी हो, आप उनको सपोर्ट कीजिए। आपको एक सपोर्ट सिस्टम जरूर बिल्ड करना पड़ेगा, एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। अगर आपका एक सपोर्ट सिस्टम, एग्जाम्पल आपकी वाइफ है, ग्रेट, आपकी गर्लफ्रेंड है, ऑसम, आपके पेरेंट्स हैं तो बहुत बढ़िया, आपका कोई मेंटोर है तब तो सबसे बढ़िया, क्योंकि यूजली लोगों को मेंटोर इजीली नहीं मिलता, इसलिए मैं किसी को रेफर नहीं करता। इनिशियली पहले मेंटोर देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप मेंटोर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, मेंटोर ढूंढना नहीं पड़ता। सो आप सबसे पहले देखिए कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो आपको मोटिवेट करे। आपको सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए होगी, आपको ऐसे लोग चाहिएंगे जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये ना बोले कि तू तो पक्का फेल होगा। एंड आई एम वेरी श्योर हमें 100 में से शायद 98% लोग ऐसे ही मिलते हैं फेल होंगे। मेरे वाले केस में भी ऐसा था, क्योंकि मैंने कोविड के टाइम में जॉब छोड़ी थी। एक्चुअली मैं, आप देख सकते हैं बाकी बहुत सारी वीडियोस मेरे लिंक में है, मेरे चैनल पे है, मैं बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एंड मैं यही चीज कहता हूँ कि मेरी खुद की फैमिली ने उस टाइम मेरे को सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने कोविड टाइम में अपनी बहुत अच्छी जॉब छोड़ी थी। मैं टेक्नोलॉजी फील्ड में था, मैं डेटा की इंडस्ट्री में था, जो आज की डेट में भी सबसे हॉट इंडस्ट्री है, क्योंकि मेरे को इम्पैक्ट करना था मिलियंस की लाइफ, एंड मेरे को कंटेंट में ही अपनी लाइफ बनानी थी, बिकॉज आई फील कि अच्छा मेरे लिए कम्युनिटी बिल्डिंग करना इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स सपोर्ट सिस्टम में मेरी वाइफ थी, मेरे पेरेंट्स धीरे धीरे आ गए थे, पहले नहीं थे, एंड ऑफकोर्स मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने फी ऑफ कॉस्ट मेरे लिए काम भी किया एंड बहुत कुछ चीजें करी। सो आपको थर्ड पॉइंट में देना पड़ेगा कि आपका सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ द पॉइंट नंबर 4 इज डोंट जस्ट स्टार्ट अ बिजनेस फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। इफ यू हैव अ पैशन ऑफ समथिंग, इफ यू कैन थिंक of something 24/7, 365 days without any motivation, then yes, it's a calling, it's not a hobby. मेरा कॉलेज के टाइम था, गिटार बजाने का बड़ा मन था, क्यों? क्योंकि मेरे को लोगों को इम्प्रेस करना था, और मैं बोलूँ कि मेरे को लड़कियों को इम्प्रेस करना था अपने कॉलेज में, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो एंड वो बहुत कूल होता है कि अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं, गिटार बजाते हैं, तो वो हॉबी थी, पैशन नहीं था। बिजनेस कॉन्टेंट प्रोड्यूस करना मेरे लिए पैशन है। आज की डेट में मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ, चाहे वो कंसल्टिंग से हो, अपने एजेंसी बिजनेस से हो, सारा का सारा री इन्वेस्ट कर देता हूँ वीडियो मार्केटिंग में। एंड अभी तक मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो चुका है वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, एंड मैंने अभी तक कहीं से भी मोनेटाइजेशन नहीं कर पाया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग है, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ अभी। मैं ये नहीं कह सकता मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ। ऑफकोर्स आप लोग देख रहे हैं वीडियो एंड आप लोग इंस्पायर हो रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत है। अगर मेरे को 4 व्यूज भी आते हैं, 40 व्यूज भी आते हैं, 4,000 व्यूज भी आते हैं, तो मेरे लिए व्यूज नहीं है, वो मेरे लिए लोग हैं। अगर 4 व्यूज है तो मतलब मैं 4 लोगों के सामने अपनी बात रख पा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग। आपको माइंडसेट भी देखना पड़ेगा, राइट? ओके, सो दीज आर दी 4 पॉइंट्स। फर्स्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको स्किल सीखनी है, यू हैव टू लर्न अ न्यू स्किल। सेकंड आपको मिशन समझना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट अ मिशन फॉर योरसेल्फ, पैसे कमाने हैं, इम्पैक्ट करना है। थर्ड यू हैव टू बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम फॉर यू, सिर्फ मेंटोर ढूंढने की नीड नहीं है। एंड फोर्थ you have to find a passion, you have to find a calling, not a hobby. Hobby nahi dhoondo. So make sure aap ye 4 points ko, 4 steps ko, ya 4 step by step ek blueprint hai apna business start karne ke liye, isko follow kijiye, apne friends aur family ke sath share kijiye, kyunki main aisa bahut sara content produce karta hu jahan pe aapko bahut casually cheeze samjhata hu aur bahut hi real life examples ke sath, kyunki ye sab cheeze maine khud face kari hai. Of course abhi aapko jo problem aa rahi hai, same problem mere ko bhi thi,
डेढ़ दो साल पहले कोविड के टाइम की, ऑफकोर्स आपको भी पता है कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, घर में ही बैठे सब कुछ कर रहे थे, तो मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया, बहुत कुछ समझा। अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं सबके लिए एज ए टीचर काम करूँ, मैं सब कुछ सिखाऊं। मेरे को कोई मेंटोर नहीं बनना, मेरे को कोई कंसल्टेंट नहीं बनना, आगे जाके मेरे को एक टीचर बनना है, सो दैट लोग मेरे से इंस्पायर हो सके एंड अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी मनी। सिर्फ टाइम और पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड मेक श्योर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई वीडियो लाऊं सो आपको नोटिफाइड हो जाए, एंड आप वीडियो औरों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड प्लीज मेक श्योर, आपने अभी तक क्या ट्राई किया है, किसमें फेल हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए मेरे को, क्योंकि मेरे को उससे मोटिवेशन मिलती है कि अगर इसमें लोग फेल हो रहे हैं तो मैं ऐसा क्या करूं सो दैट वो नेक्स्ट टाइम फेल ना। थैंक यू सो मच। मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।